पहला जो की आपका पहला क्वेश्चन है संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं ऐसे बाईस लैंग्वेजेस होती है 22 टू भाषाएं कोलबर्ग के सिद्धांत का क्या नाम है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का ठीक है पहली बीसंख्या का मध्य मध्य मान संख्या क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीपल पूछा गया था पियाजे वाइकॉस की कॉल पर आते ही आते हैं फ्रूट से भी आज क्वेश्चन था सो so, हम क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं करना सो so, फर्स्ट uh, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एज ऑफ द जेनाइटल जेनाइटल का एज क्या होता है सो so यहाँ जो आप प्रेफरेबल ऑप्शन चूज करोगे वो होता है फिफ्टीन इयर्स ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पूरी की पूरी फ्रोडेंट साइकोलॉज साइकोसेक्शुअल स्टेजेस मैं आपको आप बताऊंगी सबसे पहले ओरल होता है जब बच्चा क्या करता है सकिंग करता है बाइटिंग करता है चुविंग करता है मतलब अपने ओरल सारी चीजें वो करेगा माउथ से ठीक है सो so ये जीरो से लेकर के एटीन मंथ तक होता है उसके बाद एनल होता है एनस वॉल एंड ब्लेडर कंट्रोल करेगा एटीन टू थर्टी सिक्स मंथ तक ओके okay? फैलिक होता है जेनिटल्स एंड मास्टूबेशन सो थ्री टू सिक्स ईयर तक होता है ये इसके बाद आपका लेटेंसी वाली स्टेज आती है सिक्स ईयर टू लेकर के प्यूबर्टी तक आपका रिप्रेशन ऑफ सेक्सुअल फीलिंग्स नेक्स्ट आपका आता है जेनाइटल जो कि प्यूबर्टी यही एज होती है आपकी प्यूबर्टी मतलब अब आ जाएगा चौदह पंद्रह ग्यारह वाला साल से तो यहां से आपका मेच्यूरेशन ऑफ और सेक्सुअल ओरिएंटेशन होने लगते हैं जिसे हम जेनाइटल कहते हैं सो so इसका आंसर पीछे वाले का होता है फिफ्टीन इयर्स उस हिसाब से नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड बाउली सो बावली किसे कहते हैं यहाँ स्टेप वेल होती है उन्हें कहते हैं तो पहला आंसर हो जाएगा स्टेप वेल नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम पेयर फ्रॉम वन टू फिफ्टी सो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है तो आप देख सकते हो प्राइम पेयर उसमें मैंने आपको बताया वन से फिफ्टी तक वन से हंड्रेड तक बताया सो so वो आपको लर्न कर लेना है नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर इज द चांगपा ट्राइब फाउंड चांगपा जो होता है वो कोल्ड डेजर्ट एरिया लद्दाख में पाया जाता है सो so पहला इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट एरिया नेक्स्ट है हाउ विल अ चाइल्ड गेट टू नो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इन द न्यूज पेपर सो सरसरी नजर से वो पढ़ेगा स्कैनिंग करेगा सो एट अ ग्लांस इसका आंसर होगा नेक्स्ट है एट वट एज डस अ चाइल्ड अंडरस्टैंड जेंडर जेंडर वो अंडरस्टैंड तो करना वो चार साल से ही शुरू कर देता है बट मेचुरेशन वगैरह से रिलेटेड आएगा तो इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा ओके okay. नेक्स्ट इसका हो जाता है व्हाट आर लेसन प्लान मेड्स व्हेन लेसन प्लान मेड्स सो लेसन प्लान अगर आप टीचर हैं या टीचर बनने जा रहे हैं आपने ट्रेनिंग में किया भी होगा लेसन प्लान आप टीचिंग से पहले बनाते हैं डेट इज बिफोर द टीचिंग पहला इसका आंसर होगा जेंडर रोल्स बिगिन कब से हो जाते हैं तो सेम ये फोर इयर्स तक की एज में हो जाते हैं नेक्स्ट है अ टीचर इज शोइंग अ वेरियस वेजिटेबल विच पार्ट शी हैज शोन अ गार्लिक तो गार्लिक में क्या होता है गार्लिक में यहाँ पे होता है स्टेम्प इस आपका इसका आंसर हो जाएगा रूट के आपके यहाँ एग्जाम्पल हो जाते हैं कैरेट रेडिश तो आप एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा चांगपा चांगपा ड्राइव कीप देयर शिप्स एंड गोड्स so वो लेखा में रखते हैं अपनी शिप्स रेब वगैरह को गोड्स वगैरह को एनिमल्स वगैरह को और रेबो वो बनाते हैं जो टेंट होता है ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट अ गर्ल शोज अ रेपिटेटिव बिहेवियर तो यहाँ पे रिपेटेटिव बिहेवियर आपको ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आया हुआ इसको autism है इसको ऑटिज्म कहते हैं ऑटिज्म कहते हैं याद रखना आत्म केंद्रित सो so यहाँ पे रिपेटेटिव बिहेवियर दिखाएगा दोहराव वाला बिहेवियर ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे टीचर इज कंडक्टिंग एन एक्टिविटी ऑफ प्लांटिंग देन रूही सेज दैट वी गर्ल्स मतलब हम गर्ल्स हैं एंड विल वाटर द प्लांट एंड बॉयज विल डार्क द सॉइल तो टीचर क्या करेगी टीचर बात करेगी रूही से आज रूही मतलब कि वो उसे बातें करेगी कि उसके दिमाग में ये चीज आई कैसे कि मतलब लड़के जो होंगे वो यहाँ पे खुदाई करेंगे या लड़कियां यहाँ पे पानी करेंगी पानी देंगी ठीक है सो so, ये आम बी आंसर इसका हम लेंगे नेक्स्ट है यहाँ पे अरेंजिंग कंबाइनिंग डी अरेंजिंग एंड डी कंबाइनिंग ऑफ प्याजे रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होगा नेक्स्ट है इसका वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ आई क्यू इज नॉट सुटेबल सो सुटेबल क्यों नहीं होता है आई क्यू आपका सो so, यहाँ पे इसका होगा वैसे तो कल्चरल बायस द जनरल स्ट्रेटेजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सो यहाँ पे इसका आंसर होगा जनरल स्ट्रेटेजी दैट इज ह्यूरिस्टिक नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेव आई चाइल्ड एंड एडल्ट्स को कंस्ट्रक्ट नॉलेज दैट इज इन साइड ज़ोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट इसका आंसर होगा नेक्स्ट है स्टूडेंट कैन लर्न तो वो लर्न कैसे करेगा डर होगा उसके अंदर तब वो लर्न करेगा करेगा या उसको बहुत ही ज्यादा फियर है डर है या गुस्सा आ रहा है एंगर है ठीक है तो वो तब वो चीज नहीं अच्छे से लर्न कर पाएगा बट अगर उसको चीज के उस चीज के लिए उसका एक्साइटमेंट होगा तो वो बहुत ही अच्छे से लर्न करेगा तो इसका आंसर एक्साइटमेंट हो जाएगा आपका नेक्स्ट रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप रीडिंग कर रहे हो सो दैट इज द स्कैनिंग नेक्स्ट है वन ऑफ द following believes दैट लैंग्वेज लर्निंग बाय सोशल इंटरेक्शन सो सोशल इंटरेक्शन कल्चरल वगैरह आपको कहीं पे भी दिखता है आप वाइगॉस की टिक करेंगे हमेशा देन चिल्ड्रेन लर्न द बेस्ट वेन द टीचर प्रोवाइड सो ड्रिल एंड रिकॉल नहीं करवाना है आपको गाइडेड लर्निंग होनी चाहिए नेक्स्ट हो जाएगा इवन अ चाइल्ड इज एबल टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम बट फील्स डिफिकल्टी इन सॉल्विंग एबस्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सो एबस्ट्रैक्ट प्रॉब्लम की बात आ रही है सो so, ये कंक्रीट कंक्रीट वाली स्टेज पे आ चुका है सो so, इसका आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट है टीचर फाउंड दैट चिल्ड्रन फेज टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इट मे सफर फ्रॉम सो लैंग्वेज समझने में उसको दिक्कत हो रही है सो so, इसका आंसर हो जाएगा डिस्पेजिया नेक्स्ट है विच कैन बी ऑप्टेन बाय फिल्टरिंग इन क्लॉथ सो आपको ये ऑलरेडी मैंने एक बार बताया भी हुआ है सो फिल्टर कैस को कर लोगे आप सॉल्ट घुल जाएगा पानी में टर्मिनिक पानी में ही घुल जाएगा तो फिल्टर नहीं कर पाओगे दूध आप फिल्टर कर ही नहीं पाओगे तो मिल जाएगा पानी में तो चौक पाउडर आप इजिली उसको क्या कर सकते हो फिल्टर कर सकते हो नेक्स्ट है कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है सो so, यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है तेलुगु मलयालम संस्कृत सारी है यहाँ पे हिंदी जो आपकी है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है तो याद रखना है आपको यूनियन टेरिटरीज में से है चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी आपको यूनियन uh, टेरिटरीज के नेम भी सारे याद होने चाहिए नेक्स्ट है चिल्ड्रन वेंट टू हैदराबाद फ्रॉम दिल्ली ही एक्वायर्ड द लैंग्वेज सो उसने एक्वायर्ड किया है लैंग्वेज ऑफ द सोसाइटी दे आर अलॉन्ग विद हिंदी सो ये क्या है आपको एक्वायर्ड एक्वायड एक्वायर मतलब एक्वाजिशन हो गया भाषा अर्जन ठीक है नेक्स्ट so, है वट इज लैंग्वेज सो लैंग्वेज आपका क्या होता है इसका आंसर बी होगा सिस्टम दैट हैज रूल्स चाइल्ड थिंग्स अबाउट कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर सो कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर वो कब समझेगा एस मतलब होता है सेंसरी वाला जो है प्री ऑपरेशनल इसके बाद सी मतलब है कॉन्क्रीट वाला सो so, सी आपका इसका आंसर सही हो जाएगा देन वट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री सो एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखा जाएगा सो so, यहाँ पे थ्री थ्री भाषा होता है जो थ्री ट्राइल एंग्वेल होती है दैट इज द थ्री मॉडल जो की कोठारी कमीशन में भी आपने उसको पढ़ा हुआ है सो so, इसका आंसर हो जाएगा ए ठीक है देन वट इज अ स्टूडेंट डूइंग ही फॉर डूइंगेशन ऑन टॉपिक इन द न्यूज पेपर सो ये क्या है स्कैनिंग कर रहा है नेक्स्ट चांग है चांगपा कहाँ रहते हैं सो अभी मैंने आपको बताया लद्दाख पे रहते हैं लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पे टीचर आज स्टूडेंट टू तो ब्रिंग सीड्स एंड टेल देम टू प्लांट देम एज अ टीचर एड वुड शी हैज टू यूज तो मतलब वो क्या यूज करेगी सो फार्मर एज अ कम्युनिटी रिसोर्स ए इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यहाँ पे ईवीएस में एक यूनाइटेड असेंबली 2015 में क्या चेंजेस हुए उससे क्वेश्चन था एंड इमिग्रेशन अभी अभी बाउली के बारे में भी आने आपको बताया चांगपा आपको ध्यान से पढ़ लेना है चांगपा अगर आपको नहीं पता है तो so, ईवीएस की मैंने एक दो वीडियो बनाया हुआ है उसमें अभी आप जाके चेकआउट कर सकते हो मीडियन आपको पता ही होगा टेन इवन नंबर आपको ले लेने हैं और उसी का मीडियर आपको बताना है ठीक है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्ट इज इट नंबर है स्मॉलेस्ट फोर्ट इज इट नंबर है एंड नेक्स्ट आपका इसी में है यहाँ पे अच आइड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ शेप सो शेप्स की प्रॉपर्टी वो समझ गया है सो so, ये आपको वॉन हील वाला एक बार पढ़ लेना जो कि वॉन हील का था मैथ्स में देन है ये क्वेश्चन टाइम वाला पे है सो so, ये भी आप लगा लीजिएगा एक बार देन रवि लर्न द मराठी लैंग्वेज फ्रॉम इज पियर वट इज कॉल्ड सो वो पियर से ही सब पढ़ लिया उसने ठीक है तो प्यर लर्निंग हो रही है यहाँ पे वो उनसे सीख रहा है लर्न कर रहा है फ्रेश डायवर्सिटी इन यूनिटी वॉज गिवन बाय रेडियो ट्रांसमिशन लेयर ठीक है ये सारी चीजें आपको देखना है वैकल्पिक अवधारणाएं वैकल, वैकल्पिक अवधारणाएं कैसे आती हैं बच्चे की प्रक्रिया से बेहतर मतलब कैसे सिखाते हैं सो आप रीड आउट कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट यहाँ पे मेटा कॉग्निशन से दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन आए मेटा कॉग्निशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देखिएगा निपुन भारत से रोज क्वेश्चन आ रहा है उसको भी आपको देखना है नेशनल ट्री बनियान ट्री होता है ये आपको पता होना चाहिए जेड पीसी जेड पी आया था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्याजे वर्गो उसकी कोहलबर्ग हो गया देन आपके बहुभाषिकता वाला क्वेश्चन आया था एक क्वेश्चन एनसीएफ से आया था ओवरऑल पेपर ओके आया था मतलब सी का आपका पेपर जो है वो सारा सेम टू सेम आ रहा से, से है स्कैप होल्डिंग से जेडपीजी से क्वेश्चन था एंड यहाँ पे नेक्स्ट है फूड से क्वेश्चन था अर्थ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ठीक है तो क्या पाया जाता है ऑप्शन में वाटर भी था तो वाटर पाया जाता है भूमि नेक्स्ट है पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन था सो so, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका पोर्टफोलियो देन देक टैक्स जो कि आप एसिस वालों का है ये सारा आप एसिसी वाले देख लेंगे हर आपका सिविलाइजेशन से क्वेश्चन था एसिसी में देन ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे था एक रोड मेमोराइजेशन निगेटिव वर्क होता है आपका सो उसको तो आपको चूज नहीं करना रहता है मेनली अगर इन करेक्ट पूछा हो तो बात अलग है नेक्स्ट यहाँ पे है जेंडर जीरो से क्वेश्चन था अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट लर्निंग स्किल क्रिएटिविटी पे क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपको याद करना है जेट है इसका फोल्डिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं हम हमेशा आते हैं ठीक है लर्निंग डिसेबिलिटी सेकेंडरी सोशलाइजेशन इवेलुएशन इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन ओके कोड मिक्सिंग कोड स्विचिंग से क्वेश्चन था जो आप जो मतलब लगातार आप जब क्वेश्चन आप एनालिसिस देख रहे हो गे सो कोड स्विचिंग एंड कोड एनालिसिस हमेशा आ रहा है इधर बीच एग्जाम में एंड सिफेलो कॉडल भी आ रहा है ठीक है देन यहाँ पे पोलियस थोरी थी देन यहाँ पे वन हिल जो मैंने आपको पहले बताया कि आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा स्कीमिंग एंड मदर टंग मल्टीलिंग पे क्वेश्चन था ठीक है तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आई वन हिल तो आपका नहीं आना रहता है देन डिसबिलिटी टू कैलकुलेट मैथ्स तो ये डिसकैलकुल हो जाएगा देन टू बाई थ्री इन टू नाइनटी डिग्री हो जाएगा अगर यहीं पे आपका स्ट्रेट एंगल होता है वन एटी हो जाता आपका ठीक है सो so, यहाँ पे आपको ये चीज आनी चाहिए प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है चार स्किल्स आपने पढ़ी है एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ठीक है ये सारी होती है सो प्रोडक्टिव स्किल आपकी इसमें कौन सी वाली होगी निपुन का फुल फॉर्म थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला हो गया ठीक है ये मैथ्स से क्वेश्चन है आप इसको के क्वेश्चन एक बार अच्छे से लगा दीजिएगा तो यही सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एंड यहाँ पे जो है नॉन रिएक्टिव मेटल से क्वेश्चन आया है सब मेटल नॉन मेटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक ट्रू मेटल सेंटर टू पेरिफेरी क्या होता है सेंटर टू पेरीफरी प्रोक्सीमेट स्टिल सो सब्सक्राइब टू माई चैनल